वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेमा डेंटल ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांत से खून आना, दांत में दर्द होना, दांतों में ठंडा गर्म लगना, दांत में जो कैरीज है वो फैलना, जिसको हम कीड़ा लगना भी बोलते हैं, उसके अलावा मुंह से बदबू आना और दांतों का हिलना और दांत में से पस निकलना। जितनी भी डेंटल की समस्याएँ हैं, ये आज हम एक घरेलू मंजन बनाएंगे जिससे ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप भरोसा रखिए, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं इस मंजन से ठीक हो जाएगी। दांत में कीड़ा लगना, दांत में सड़न होना, दांत में ठंडा गर्म लगना और उसके अलावा पाइरिया की समस्या होना, ये समस्याएं सभी को होती हैं। तो मेरे से बहुत सारे मेरे जो पेशेंट हैं और बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने पूछा कि कुछ ऐसा घरेलू उपचार बताओ जिससे हम इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, YouTube पे तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, मेरे जैसे कितने और लोग बना रहे होंगे, लेकिन मैं जो आपको घरेलू उपचार बताऊँगा वो उपचार से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, होगा तो बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि हम जो भी आपके लिए कंटेंट या आपको जो भी बताते हैं वो आपके लिए लाभदायक ही होगा, ये नहीं कि मैं आपको नुकसानदायक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको बताऊँगा, आपने पहले अपना अप्लाई करना है घर पे, उसके बाद ही आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा, ठीक है। तो जितनी भी समस्याएँ हैं, पहली बार हम डेंटल में इस तरीके की वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम सब जितनी भी डेंटल की ट्रीटमेंट होती हैं उनकी कॉस्ट को हम लेके आए थे। आज दांतों की हर समस्या के बारे में हम एक वीडियो में आपको बताएंगे। कोई भी समस्या हो, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में पस बन रहा है, दांत हिलने लग जा रहे हैं, उसके अलावा मसूड़ों की समस्या है, या तो आपके दांत में गड्ढे हो गए हैं सड़न से, जो मैं आपको बताया कि कीड़ा लगना जिसको हम लोग वैसे कहते हैं गड्ढे हो गए। अब देखिए, गड्ढे तो ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो जो कीड़ा फैल रहा है यानी कि जो सड़न फैल रही है, उस सड़न को हम रोक सकते हैं। मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके घर पर अवेलेबल होंगी, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं, एकदम सरल है। मेरा यकीन करिए कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले 15 ग्राम दालचीनी, उसके बाद 15 ग्राम लौंग, उसके बाद 15 ग्राम सैदा नमक, उसके बाद 15 ग्राम हल्दी, और उसके बाद 15 ग्राम काली मिर्च। इन सब का आपने पाउडर बना देना है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी इनका आपने पाउडर बना देना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा। सबसे पहले 15 ग्राम दालचीनी और 15 ग्राम लौंग, 15 ग्राम सैदा नमक, 15 ग्राम हल्दी, 15 ग्राम काले मिर्च, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के आपने पाउडर बना लेना है। अब एक चीज़ और है, जिसके दांत बहुत ख़राब हो गए हैं, सब दांत गड्ढे पड़ गए हैं, बहुत दांत हिलने लग गए हैं, तो वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो सरसों का तेल होता है कच्चा हो तो और अच्छा रहेगा थोड़ा सा। जब आपने ये पाउडर बना लिया है, जब आपने सारा पाउडर बना लिया है, उसके बाद उसको हाथ में रखना है और उसमें फिर सरसों के 2-4 बूंदे मिला लिए, उसको पेस्ट बना लेना है, फिर अपने दांतों में अप्लाई करना है। इस पेस्ट को आप अंगुली से ही करें, ठीक है। अगर आप ब्रश का यूज़ नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है। जैसे हम लाल दंत मंजन पहले से आता था, तो वैसे ही हमने जो पाउडर बना रखा है, जिन लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं है उन्होंने वो ऐसे दांत में लगाना है। जैसे जैसे डाबर का आता था लाल दंत मंजन, आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे ही हमने एक ये मंजन बनाया है। इस मंजन को आपने यूज़ करना है, मैंने सब चीज़ें आपको बताई भी हैं, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। बाकी आप मेरे को नीचे कमेंट में ही बता देना कि रिजल्ट कैसा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी समस्या नहीं है, तो उनके लिए क्या घरेलू उपचार है उनके लिए, जिनको थोड़ी अपनी दांतों में जो पीलापन है उसको भी हटाना है, थोड़ी सी उनको अपनी खूबसूरती बरकरार रखनी है दांतों की, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो पका हुआ केला आता है उसका पेस्ट बना लेना है, उसके बाद अंगुली से पूरे दांतों में लगाना है, ठीक है। ऐसा आपने कम से 5 से 6 दिन करना है, इसके 6 या 7 दिन में आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। और ऐसा ही जो मैंने आपको मंजन बताया है घरेलू मंजन, उससे भी अगर आप
यूज़ करेंगे तो आपको 6 से 7 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लो और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आज हम अपना जो ये वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।